बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक मीठी सी, बिल्कुल मीठी मीठी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंगो का सीज़न है तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैंगो पुडिंग की रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो ये जिसके लिए मैंने ये मैंगो ले लिए हैं, ये जी मैंने 1 kg आम लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हैं और 1 छोटे साइज़ का आम है। हाँ जी, जो 2 बड़े आम थे ये देखें, इस तरह से मैंने उसके स्लाइस काट लिए हैं और जो 1 छोटा आम था उसको मैंने ये क्यूब की शक्ल में काट लिया है। हाँ जी, इसको जो स्लाइस कट मैंगो हैं उसको जग में डालेंगे। इसमें 1/2 कप ये चीनी जाएगी, ये 1 कप फुल क्रीम मिल्क है ये जी, वन कप हमने पहले ऐड किया है, 1/2 कप और ऐड करेंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे और पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ जी, अब हमने इसका मिल्कशेक तैयार करना है। मिल्कशेक मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटी आपकी इस तरह से होनी चाहिए। ये मिल्कशेक जो आपने तैयार करना है बिल्कुल थिक होना चाहिए। मिल्कशेक इतना दूध आपने डालना है और इतना आम डालना है कि आपने ये करना है कि जो शेक हमारा बने वो पतला ना बने, वो थिक बने। अब हम इससे शेक तैयार कर लेते। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि कितना गाढ़ा मैंने ये शेक, ये देखें, ये पानी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा वाला शेक है। यहाँ पे जी 1/4 कप मैंने ये दूध का ले लिया है, 1/2 कप मेरे पास ये वनीला कस्टर्ड है, वनीला फ्लेवर में मैंने ये कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अब ये पाउडर इसमें दूध में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, यूं करके, ये देखें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आपने इसको कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स ना रह जाए इसके अंदर, दूध के अंदर। जी बर्तन को मैंने चूल्हे के पे चढ़ा दिया और मैंने ये फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो रखी है। और अब ये देखें, इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसमें ये चलाते रहना है चम्मच, ताकि आपका जो कस्टर्ड है, ये है मिल्क शेक है जो मैंगो का, वो लग ना जाए पतीली में। शुगर अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा पसंद ज़्यादा करते हैं, तो चीनी आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी का इसमें कोई इशू नहीं है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे जितनी चीनी पसंद थी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ली है, क्योंकि आम भी मीठा होता है, फिर ऊपर से चीनी भी, तो बहुत ज़्यादा जाके ना इस जगह पे मीठा जो होता है ना, यहाँ पे जाके लगता है। ये देखें जी, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, आपको बबल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दूँगी, और ये जो कस्टर्ड जो हमने दूध में शामिल किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये देखें, अभी ये चम्मच पे नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितना गाढ़ा करना है इसको। हाँ जी, यहाँ पे आपने हाथ नहीं इसका रोकना, कस्टर्ड लग सकता है, अगर कस्टर्ड लग गया तो समझे उसका जायका गया। तो आपने ये एहतियात करनी है कि उसके चम्मच चलाते रहना मसलसल उसके अंदर। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 120 ग्राम लिया है, आपने वनीला में जो लेना है वो 120 ग्राम ये कस्टर्ड पाउडर लेना है। ये देखें जी, कस्टर्ड जो है ये गाढ़ा हो गया, आपको इससे पता चलेगा कि इसमें इस तरह से बबल बन रहे हैं, ये देखें। और इसकी जो ये देखें थिकनेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से, ये पानी की तरह नहीं जा रहा, ये इस तरह से इसकी थिकनेस है। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे जी। इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए ये 1/2 लेमन मैंने ले लिया है, ये लेमन इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, कस्टर्ड हमारा हो गया तैयार, अब आपको जो भी सांचा चाहिए आप उसमें इसको डाल सकते हो।
हाँ जी, अब इसमें ये मैंगो क्यूब डाल लेंगे। जी मैंगो को ये स्पैचुला की मदद से अंदर डालेंगे इस तरह से। हाँ जी, अब इसको क्या करना है, हमने अच्छा से ये देखें बबल्स जो होंगे थोड़े बहुत वो निकाल के बैलेंस कर देते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे, ये ठंडा होगा तो इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, फिर आपको खा के बताएंगे कि हमारा ये मैंगो जो पुडिंग है हमारी किस तरह की तैयार हुई है। तो मिलते हैं आपसे, तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में डालना पड़ेगा। अब मैं ये प्लेट इसके ऊपर उल्टी करूँगी। ये ले जी, एक घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब इसको पलटा लेंगे। चेक करें, मज़ेदार किस्म की हमारी, देख के मुझे खुद ना मुंह में पानी आ गया। पुडिंग हमारी तैयार हो गई है, अब आपको ये खा के बताएंगे कि पुडिंग हमारी किस तरह से तैयार हुई है। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको 20 मिनट बोला था, लेकिन 20 मिनट के बाद ये सेट नहीं हुआ था। आधा घंटा आपने उसमें डीप फ्रीज़र में रखना है और आधा घंटा आपने इसको फ्रिज में रखना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप, यानी कि घंटा भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये जितना सेट होगा उतनी इजीली ये बाहर आएगा। और ये देखें इसकी शेप, देखें आप चेक करें। मीठा तो हम लोग बनाते हैं, सीधा सीधा बनाते हैं, लेकिन इसकी ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी है। मेहमान आते हैं, इस तरह की चीज़ हम उनके आगे पेश करें तो बहुत अच्छी लगती है। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं आपको काट के बताती हूँ कि मेरा ये कटिंग इसकी कैसी होगी और जायके में ये किस तरह का। मैं काटूंगा, मेरी बात सुनो। मैं काटूंगा यार, मुझे काटने मेरा दिल कर रहा है, इतने जबरदस्त यार। जी कटिंग भी जो है हम इसके पैटर्न के हिसाब से रखेंगे, ताकि एक दफा कट करके दोबारा भी उसकी खूबसूरती बनी रही। ये देखें, एक पैटर्न मैंने यहाँ से काट लिया और दूसरा मैं यहाँ से काटूंगी। ये देखें, अब इसको मैं उठाऊंगी यूं बड़ी एहतियात के साथ। ये देखें, यार ये मुझे दे दे तो दोबारा काट ले अपनी प्लेट। यार तूने बीच में हमला कर दिया ना। आए 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 यार चिदादा, आए आए आए। मैंगो आए हैं तो मैंगो को एंजॉय जरूर करें। आए क्या बात है यार, क्या बात है। और मैंगो का ना मजेदार किस्म का मीठा बनाएं। हाँ। एक टेस्ट कर लिया, अब बोल भी नहीं। तू दो दो तीन तीन चमचों के बाद बोलती है, तुझे समझ नहीं आती टेस्ट की। इतना मजे का मीठा बना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंगो भी खा रहे हैं और साथ में कस्टर्ड भी। मैं कहता उसको कहाँ से काटू, कहाँ से काटू यार। मैं कहता हूँ आप चेक करो इसका, यार इसका ये शाइन चेक करो यार, क्या आला ये देखो। आए ओए होए होए, क्या जबरदस्त। दिल कर रहा है देखता ही रहूँ यार, काटने को दिल नहीं कर रहा, क्या फिट है। बहरहाल यहाँ से काटते हैं अब। आए खाए खाए, कहाँ से काटूँ, कहाँ से काटूँ, कहाँ से काटूँ, यहाँ से काटता हूँ ये। आए 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 यार, क्या बात है। आए हाय हाय, क्या गंडेरी पीस आया यार। मैं कहता हूँ आला, अब जो मज़े आने हैं ना। आए आए आए, ओए आला। लोकर मिर्चा खा के मिर्चा लग दी है, मिठा खा के यार। ड्रामेबाजियां चेक करें इसकी जरा। बोली
यार इतनी मजे की चीज है अंदर, मैं कहता हूँ आम घूम रहे हैं इस टाइम अंदर जाके। बच्चों का ये फिल्टर तो मैं बच्चा ही हूँ, मेरी बात करो। आप लोगों ने जरूर बनाना है और ट्राई जरूर करना है और मुझे कमेंट करके आपने बताना है और मेरे इंस्टाग्राम पे आपने ये शेयर करना है कि आपने ये बनाया या नहीं बनाया, मैं आप लोगों का वेट करूंगी। मैं कहता हूँ ऐसी हो रहा है, फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिर बोल रहा है नहीं, मैं कहता हूँ मेरे अंदर ना इस टाइम जिस तरह वो ब्लेंडर में ना वो आम नहीं घूमता जग वाले ब्लेंडर में, मेरे अंदर इस टाइम ये हो रहा है। मैं कहता हूँ क्या यार, मैंने आपको इसके चंक्स दिखाने हैं क्या? ये आपकी बाइट है, आपकी बाइट है, जरा चेक करना, जरा इधर आया, जरा आपकी बाइट है, जाना अपने मुंह से, आपकी बाइट है, आपकी बाइट। तो यार वो फील भी तो कर सकते हैं ना, उनको फीलिंग्स आती है ना, कुछ तो होता है। मैं अभी हूं तो मुझे फील नहीं आएगी। अच्छा परे और चल है, पता है नहीं है यार ये। चलो यार बाइट चेक कर। अरे यार मैं कहता हूँ मैं दोबारा कहाँ से तोड़ूँ, आपकी कोई थोड़ी बाइट ना थोड़ी थोड़ी हैवी होनी चाहिए, तो यहीं से तोड़ता हूँ यार। मैं कहता हूँ आपको चेक कर, ओए क्या क्या यार, ये चीज़ चेक करें ये यार क्या। मैं कहता हूँ आप मैंगो के चंक्स चेक करें यहाँ से, ओए होए होए आला। तो अब ये जो बाइट जानी है ना अंदर यार, ये आपकी जो बाइट है ना ये बड़ा मजा है, ओए होए आला। चीके पुडिंग, मैंने पुडिंग बनाई है, शाहिद ने चीके पुडिंग बना दिया। आए तेरी सोच है जहां पे जाके ना, मैं कहता हूँ क्या आला आपका, इसको तो यहाँ पे रख, इसको तो वहां पे खींच के ले जाती बार बार, यहाँ से थोड़े से नीचे से चंग्स और निकाल के दे यार। मैं कहता हूँ चम्मच ना उसमें, अच्छा नहीं मार दे ना मारू, किसी और ने भी खाना होता है। और मैडम नटवर लाल पीछे आहो पा दे थोड़ा जी और पीछे दे मुंह वाली, तो ओ देख कटर कितने रखे है, मैं उन्हें खाना दे सबर कर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मीठा मीठा खाएं, मीठे मीठे कमेंट करें और हमें दुआओं में याद रखें। ओके बाय। ये आपने रेसिपी वाकई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ट्राई करनी है। ओए मुंह ऐसा आए मीठा मीठा हो, मिठास के पटाखे अंदर से आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जो फील है ना इस टाइम मेरे अंदर, वो मैं बयान नहीं, इस टाइम मेरे से बयान ही नहीं हो रही, बोला ही नहीं जा रहा यार, लेकिन क्या जायका है भाई। अच्छा थोड़ा ये और पा दे, ऐना ही और पा दे बाय ना मैं। ओके बाय। अच्छा थोड़ा और, अच्छा नहीं खा, अच्छा ओके बाय। ओके यार बाय, दिल से करते रे नाल ना, मैं चमचे दे नाल लड़ा। अच्छा यार छुड़ी बड़ी हैवी है, चमचे ने की करना उतने यार। ओके बाय यार, मैं कहता हूँ क्या बना गई है यार, इसके जोर पे देखे जल्दी करवा लिया मैंने। जो ये कछु कुमे के मुंह वाला बना गया ना, आगे अल्फाज खत्म हो जाते, मैं इसको क्या कहूँ यार, बस बस। अच्छा ओ टाटा टाटा, बाय 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 बाय।